यूरोप में हम लोग रशिया के बाद अब देखेंगे ब्रिटिश आइजल्स। ब्रिटिश आइजल्स एक्चुअली कई कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है। तो ब्रिटिश आइजल्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं हम लोग अभी थोड़ी देर से समझते हैं। अभी ये हम ये नक्शा देखते हैं, इसमें ये आउटलाइन और कुछ इंटीरियर पार्ट्स उसके दिए हुए हैं। ये पूरा ब्रिटिश आइजल्स का नक्शा है, देखते हैं इसमें कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले हम इसकी वाटर बॉडीज देखते हैं। तो ब्रिटिश आइजल्स के पूरे लेफ्ट में अटलांटिक ओशन है, ये पूरा अटलांटिक ओशन ए ओ लिखा हुआ है, ये अटलांटिक ओशन। फिर इधर आयरिश सी, इस आइलैंड और आयरलैंड के बीच में आयरिश सी, इधर एक वाटर बॉडी है नॉर्थ चैनल, इधर सेल्टिक सी, इधर एक बे है कार्डिगन बे, फिर इधर वाटर बॉडी है सबसे नीचे इंग्लिश चैनल, फिर यहां से फ्रांस शुरू हो जाता है, तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक जलसंधि है डीएस, जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट, डोवर जलसंधि, और उसी के ऊपर एक सिटी है जो कि इंग्लैंड की एक सिटी है डोवर, ठीक। तो ये डोवर और ये डोवर स्ट्रेट इंग्लिश चैनल, इसके बाद यहां पर पूरा इस तरफ ये नॉर्थ सी, ठीक है। तो आपके ईस्ट में नॉर्थ सी, वेस्ट में अटलांटिक ओशन, साउथ में इंग्लिश चैनल, और आपके साउथ वेस्ट में सेल्टिक सी, सेंटर में आयरिश सी, नॉर्थ चैनल, ठीक है। ये हमने इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज यहां पर देख लिया, ठीक। अब इस वाटर बॉडी में आपको एक इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रेट मिलेगा, और वो है डोवर स्ट्रेट, कहां पर लोकेटेड है ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग कुछ आइलैंड्स देखते हैं। ये है आइलैंड्स, आई ओ एम, यानी आइजल ऑफ मैन, सारे फुल फॉर्म लिखे हुए हैं यहां, ठीक है। आई ओ एम का मतलब है आइजल ऑफ मैन, ठीक। ये यूके का पार्ट है, आयरिश सी में लोकेटेड है। इसके अलावा ये एक आइलैंड का ग्रुप है, आर्किपेलो जो है, जिसका नाम है हर्बाइड आइलैंड्स या हर्बाइड आर्किपेलो जो। फिर ये ऊपर आपको लिखे हुए कुछ आइलैंड्स के ग्रुप है, इनको टुगेदरली ये कहलाते हैं ऑर्कने आइलैंड्स, और इसके और ऊपर चले जाएं सेटलिंग आइलैंड्स, ठीक। चलिए अब देखते हैं इस ब्रिटिश आइजल्स में कंट्रीज कौन कौन सी है। तो यहां से ये जो सीएम लिखा हुआ है, यहां से ये पूरा ऊपर का इलाका एक कंट्री है जिसको स्कॉटलैंड कहा जाता है, ये एक स्कॉटलैंड कंट्री है। इस सीएम से लेकर के बाकी नीचे तक ये पूरा इंग्लैंड कहलाता है, ये इंग्लैंड। फिर ये वाला इलाका यहां पर, ये वाला इलाका, ये पूरा, ठीक है, ये इलाका है आपका बेल्स, ये एक कंट्री है बेल्स, ठीक। फिर ये हमने मेनलैंड में देख लिया, तो यहां पर तीन कंट्रीज है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, बेल्स। फिर यहां पर दो कंट्री है, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड, ये एनआई का मतलब है नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक। इन दोनों को मिलाकर के, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड को दोनों को मिलाकर के रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहा जाता है, ठीक। ये हमने इंपॉर्टेंट कंट्रीज यहां पर देख ली, ठीक है। अब हम इसमें इस पूरे उसमें हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। ये एक माउंटेन है ग्रैम्पियन माउंटेन, ठीक है, जी एम का मतलब आपको मिल जाएगा यहां पर ग्रैम्पियन माउंटेन। ये स्कॉटलैंड में एक माउंटेन है, ठीक है, स्कॉटलैंड में। उसका जो सदर्न पार्ट है ये प्लेट्यू वाला पार्ट है, इसलिए इसका नाम है सदर्न अपलैंड या सदर्न प्लेट्यू, ठीक है। यूएल का मतलब है अपलैंड, ये सदर्न अपलैंड। और उसके नीचे एक माउंटेन है जिसका नाम है चेबियोट माउंटेन, ये सीएम का मतलब यहां पर, ये जो सीएम है इसका मतलब है चेबियोट माउंटेन। ये चेबियोट माउंटेन बॉर्डर बनाता है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हम देखते हैं अब स्कॉटलैंड में, उसके पहले देखते हैं एक इंपॉर्टेंट रिवर है स्कॉटलैंड में। ये एक नंबर से रिवर को दिखाया गया है, ये रिवर है क्लाइड रिवर, CLYD, क्लाइड रिवर। ये क्लाइड रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है स्कॉटलैंड की, इसी के जो किनारे स्कॉटलैंड का एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है ग्लासगो, ठीक है। तो ग्लासगो किस नदी के किनारे है, क्लाइड रिवर के किनारे। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में एक बहुत फेमस सिटी अबरदीन, दूसरा डुंडी,
तीसरा एडिनबर्ग जो कि कैपिटल है स्कॉटलैंड का, और चौथा इंपॉर्टेंट सिटी ग्लासगो। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज हमने देख लिया स्कॉटलैंड में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन और सिटीज देखेंगे इंग्लैंड में। ये बहुत फेमस माउंटेन है इंग्लैंड में, जिसको बोला जाता है पेनाइन माउंटेन, PM। ये PM का फुल फॉर्म याद लिखा हुआ, पेनाइन माउंटेन। तो पेनाइन माउंटेन कहां पाया जाता है? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। और एपेनाइन, अगर उसके पहले AP और लगा दिया जाए तो वो पाया जाता है इटली में। ठीक है, तो एपेनाइन माउंटेन इटली में, पेनाइन माउंटेन इंग्लैंड में। ये जो पेनाइन माउंटेन है, इसके पूरे आसपास का रीजन ही इंडस्ट्रियल रीजन है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले जो दुनिया में हुआ वो ब्रिटेन में हुआ, यानी कि इंग्लैंड में हुआ। उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो पूरा पेनाइन माउंटेन है और इसके आसपास अच्छे खासे मात्रा में आयरन ओर और कोल पाए जाते हैं। इस